हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और हरियाणा लगातार अन्य राज्यों के मुकाबले किसानों के लिए अच्छा कार्य कर रहा है। कृषि अध्यादेशों पर ओपी धनखड़ ने कहा कि इनके जरिए किसान अपनी फसल बेचने को लेकर स्वतंत्र होगा और किसान देश भर में कहीं भी अपने उत्पादन बेच सकेगा। कि जो तीन अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है, उन्होंने जो किसान खुद अपनी बिक्री करना चाहते हैं या FPO बना के अपनी बिक्री करना चाहते हैं या कोई व्यापारी अब खेती किसानी के व्यवसायों का व्यापार करना चाहता है, किसान कंट्रैक्ट खेती करना चाहता है, पैदा होने के बाद अपना कंट्रैक्ट करना चाहता है या पैदा होने से पहले करना चाहता है, ऐसे उसको विकल्प दिए हैं। पहले एक ही विकल्प था मंडी का, अब उसके पास खुद बेचने का विकल्प हो गया, FPO के माध्यम से बेचने का विकल्प हो गया और कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से देने का भी विकल्प हो गया। पहले उसके पास एक ही विकल्प था लोकल का, अब उसके पास विकल्प हो गया पूरा देश एक बाजार, वन नेशन वन मार्केट। किसानों के हित में भी मैं देख रहा हूँ कि हरियाणा सबसे अच्छा कर रहा है देश में। हमारे गन्ने का भाव देश में सबसे ऊपर है, 340, हमारे पड़ोस में पंजाब है 310। हम कंपनसेशन मुआवजा देने में देश में सबसे अच्छे हैं। हम मुआवजा 12,000 देते हैं, पंजाब 8,000 देता है, बाकी उसके आसपास भी नहीं है डिजास्टर मैनेजमेंट का मुआवजा देना।